हेलो, मैं डॉक्टर गौतम मंगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, दिल्ली NCR में पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। आज हम हाइपोस्पेडिया, जो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बिकॉज ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, सो बच्चे ज़्यादातर हमारे पास आते हैं जिनमें हाइपोस्पेडियाज का इश्यू होता है। तो पेरेंट्स जब हमारे से मिलते हैं तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं उनके मन में, जिसमें सबसे मुख्य होता है, जो मेन होता है, कि राइट एज क्या है इसकी, कब हमें अपने बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि जब वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो बोलते नहीं, 5 साल 10 साल 12 साल में कराइएगा जब बच्चा बड़ा हो जाए, जो एक गलत धारणा कह लीजिए या मिथ कह लीजिए। अगर हाइपोस्पेडियाज की सर्जरी 1.5 से 2.5 साल के बीच में कराई जाती है तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो अगर बच्चे का वेट 8-9 kg से ज़्यादा है और वो 1.5 या 2 साल की उम्र का है तो हम आराम से उस बच्चे में हाइपोस्पेडियाज की सर्जरी कर सकते हैं। आप खुद ही देखिएगा कि बच्चों में जो हीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जल्दी होती है। सो बच्चों में जो चीज़ एक एडल्ट में 15 दिन में हील होती है, वही चीज़ एक 2 साल के बच्चे में 7 से 8 दिन में हील हो जाती है। और जो हीलिंग होती है वो स्कारलेस ज़्यादा होती है, मीन्स कि उसमें जो ऑपरेशन का स्कार होता है वो आगे जाके नहीं दिखता है। सो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको डिले करके कोई अचीवमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्जरी 2 साल पे करानी है वही सर्जरी 5 साल पे करानी होगी। लेकिन 5 साल पे बच्चा समझने लगता है, बच्चे की एक्टिविटी लेवल बढ़ जाती हैं और बच्चा जो स्कारिंग है वो भी बच्चे में ज़्यादा विजिबल दिखती है। सो बेटर एज जितना जल्दी हो, आई मीन 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, जब भी आप उसको मैनेज कर सकें तब आपको ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। सेकेंड जो आता है पेशेंट के, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब यूरिन का पाइप लगेगा। जी बिल्कुल, उस पर पाइप लगता है, क्योंकि कोई भी अगर हम नया पेशाब का रास्ता बनाते हैं यूरिन को बाईपास करने के लिए, हमें उसमें एक पाइप डालना पड़ता है। और ये पाइप सामान्यतः हम लोग 10 से 12 दिन के बीच तक रखते हैं। सो पेरेंट्स को रहता है कि हम बच्चे को कैसे मैनेज कर पाएंगे। सो हम पहले ऑपरेशन के जस्ट दो दिन तक हम लोग बच्चे को पेन किलर वगैरह देते हैं और बच्चा कंफर्टेबली रहता है। उसके बाद बच्चे को इवन पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बहुत ही फर्म ड्रेसिंग हम लगा के रखते हैं जो इस पाइप को हिलने नहीं देती है, और बच्चा आराम से 12-13 दिन पाइप के साथ रह लेता है। जो ड्रेसिंग होती है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बच्चे को बिल्कुल पेन नहीं होता। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि एक ड्रेसिंग लगेगी या एक पाइप लगेगा, उसके साथ यूरिन बैग लगेगा 10-12 दिन तक। जो भी सर्जरी की जाती है, जो भी पोस्ट ऑप केयर होती है, वो बच्चे को पूरा ध्यान में रखते हुए, उसकी एज को, उसकी एक्टिविटी को ध्यान में रखते की जाती है। और जो हमारा मेन वो होता है कि जो फाइनल रिज़ल्ट हो वो अच्छा रहे। सो इन सब चीज़ों से बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। तो अगर आपके परिवार में या आपके बच्चे में किसी में हाइपोस्पेडियाज की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। ये 12 दिन का जो टाइम है वो आपके बच्चे के आगे के फ्यूचर को बहुत अच्छा करने वाला है, उसको एक कह दीजिए पॉजिटिव फीलिंग देने वाला है, और वो फिर अपने जो नॉर्मल एज ग्रुप के बच्चों हैं उनके साथ आराम से खेल कूद सकता है, सेम बाथरूम यूज़ कर सकता है, स्टैंडिंग पोजिशन में यूरिन कर सकता है, जिससे वो टोटली अपने आप को एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह आगे देख सकता है। थैंक यू।